हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। रेवाड़ी में पिछले काफी समय से अवैध कॉलोनियों का निर्माण कार्य थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते मंगलवार को जिला नगर योजनाकार विभाग का पीला पंजा रेवाड़ी के राजगढ़ रोड पर करीब 5 एकड़ में किए जा रहे अवैध निर्माण कार्य पर चला, जिसमें 2 दर्जन अवैध निर्माणों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। वहीं कॉलोनियों का निर्माण कार्य करने वाले लोगों का आरोप है कि कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था, जबकि ऊंची पहुंच वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ डीटीपीओ का कहना है कि सभी अवैध निर्माण करने वालों को 1 महीना पहले ही नोटिस थमा दिया गया था। रामगढ़ रोड पे रेवाड़ी अर्बन एरिया में हमने डेमोल्यूशन की है, जिसमें अब अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी में लगभग 12-13 लेबर क्वार्टर बने हुए थे, एक गोदाम था, उसके अलावा एक फैक्ट्री को डेमोलिश किया है और वहाँ पर मौजूद जो भी अपना चार दीवारी थी जो की हुई थी वो सारी पूरे तरीके से डेमोलिश की है। इसके साथ साथ सीवरेज नेटवर्क वो सारा हमने डेमोलिश किया। हमने सबसे पहले शोकोज नोटिस दिया था, शोकोज नोटिस देने के बाद हमने उनको पर्सनल हियरिंग के लिए भी बुलाया कि आप अपना आके जवाब दें, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर हमने रेस्टोरेशन ऑर्डर पास किया। रेस्टोरेशन ऑर्डर में भी इटसेल्फ हमारा 1 वीक का टाइम रहता है, हमने उसके बावजूद मौके पे पेस्टिंग की है, रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भी सर्व किए हुए हैं सभी के पास, तो ऐसा कोई नहीं है। इवन कि आज डेमोल्यूशन की है तो उस टाइम भी मौके पर हर घर के सामने नोटिस चिपके हुए थे, आज भी चिपके हुए थे।